हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। आपको मैंने एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशंस बताई थी और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल हमने कितने करे थे? अप्रोक्सीमेटली 6 करे थे। फर्स्ट हमने करा था इंडेक्स, फिर हमने करा था सेकेंड एट्रीब्यूट इज कॉलम्स, थर्ड था हमारा लेंथ, और लेंथ मैंने आपको कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा करा था हमने? दैट इज वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद किया था हमने साइज, एंड द लास्ट वन इज टी। ये हमने टोटल्स, ये 7 अप्रोक्सीमेटली, ये 6 हैं, 6 एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से एक नहीं करा, दैट इज लेंथ वाला हमने अभी तक नहीं करा। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेसिकली हमें करना क्या है। मगर दोबारा से बता दूं, अगर आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो, नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो भी कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत ही जल्दी गैप्स क्लासेस की बुक भी पब्लिश होगी, तो जब भी आप नोट्स चाहिए या बुक चाहिए तो पहले कन्फर्म कर लेना। अगर बुक पब्लिश हुई है तो बुक ही लेना, अदरवाइज नोट्स ले लेना। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बना रखे हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर पाते वीडियो के अंदर, उसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस गिवन है, तो नोट्स तो जरूर ले ही लेना, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है एज्यूम द फॉलोइंग डेटा फ्रेम विद द नेम गैप्स हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। कहता है नीचे एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, उसका नाम गैप्स है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। मान लो आगे लिखा हुआ है राइट दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखनी है टू प्रिंट नेम ऑफ द इंडेक्स। हमें क्या करना है? नेम प्रिंट करना है, किसका? इंडेक्स का। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम बना हुआ है उसका नेम इंडेक्स का क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या लिखनी है? स्टेटमेंट लिखनी है। इंडेक्स कौन से होते हैं? ये होते हैं इंडेक्स, दैट इज 2020, 2019, 2018, 2017, दे आर इंडेक्स। तो हमें क्या करना है? ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिससे कि इंडेक्स मिले। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कहां से निकालना इंडेक्स, यानी कि डेटा फ्रेम से निकालना है। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? गैप्स। तो हम क्या लिख देंगे? गैप्स, ये लिख दिया हमने गैप्स। अगर डेटा फ्रेम का नाम कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल। तो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दिया हुआ तो इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? डॉट। ये आ गया हमारा डॉट, पहले डेटा फ्रेम का नाम, फिर डॉट लगाया। डॉट के बाद हमें इंडेक्स का नाम क्या चाहिए? इंडेक्स के नेम्स चाहिए। तो इंडेक्स के नेम के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि एट्रीब्यूट है, जिससे हमें इंडेक्स के नेम्स पता चलते हैं? लास्ट वीडियो में कराया था, दैट इज इंडेक्स। तो लिख देंगे डॉट के बाद इंडेक्स। जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे गैप्स डॉट इंडेक्स, तो ये क्या करेगा? जितने भी इंडेक्स हैं वो उन सबके नेम्स बता देगा, ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी इसमें क्वेश्चन क्या करना था? स्टेटमेंट लिखनी थी। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशंस कवर करी थी, आपको डेफिनेशन गिवन होगा, एट्रीब्यूट दिया जाएगा, कहेगा इनमें से बताओ ये डेफिनेशन किसकी है। एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। सेकेंड बन सकता है, जैसे ये हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट लिखनी है, तो आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दी जाएगी, बताएगा इनमें से बताना है कि कौन सी करेक्ट है। सेकेंड हो गया। थर्ड आएगा आपका कि हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, कहेगा आउटपुट लिखो, और ऑप्शंस होंगे, चूज करना होगा करेक्ट ऑप्शन, वो हम आगे देखेंगे आउटपुट कैसे निकालना है, ठीक है। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक हम कवर कर चुके हैं, एक अभी कवर करेंगे, थर्ड टाइप भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, नोट कर लो ये। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज क्या है, आप दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज्यूम द डेटा फ्रेम विद द नेम गैप्स हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, राइट दिस स्टेटमेंट टू प्रिंट नेम ऑफ द कॉलम्स। कॉलम्स के नेम प्रिंट करने हैं। अब कॉलम्स कौन से होते हैं उसको पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कॉलम्स हैं आईपी, सीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। क्या करनी है? स्टेटमेंट लिखनी है,
तो हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम का नाम, वो क्या, गैप्स। तो ये लिख दिया हमने डेटा फ्रेम का नाम, दैट इज गैप्स। गैप्स के बाद डेटा फ्रेम के नाम के बाद क्या लगाएंगे, डॉट। तो ये लगा दिया हमने डॉट, और इसके बाद लिख देंगे हम क्या, लिख देंगे कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कॉलम के नेम्स बताता है, दैट इज कॉलम्स। तो हमने लिख दिया कॉलम्स। एस लगाना नहीं भूलना, कॉलम्स, एस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको अब आप नोट कर लो। अब आएंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है एज्यूम करो डेटा फ्रेम बना हुआ है, गैप्स ऑलरेडी बना हुआ है, राइट द स्टेटमेंट टू शो द एंटायर डेटा फ्रेम। पूरा का पूरा डेटा फ्रेम हमें शो करना है, हम सिर्फ शो करना चाहते हैं वैल्यूज। ठीक है, हमें हेडिंग्स नहीं चाहिए इसके अंदर, हमें हेडिंग्स नहीं चाहिए, यानी कि कॉलम का नेम नहीं चाहिए और हमें इंडेक्स का नेम नहीं चाहिए। अगर हम सिंपल लिखते हैं प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम, दैट इज गैप्स, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा एज इट इज डेटा फ्रेम प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या शो करना है, वैल्यूज। यहाँ पे एंटायर लिखा हुआ है, क्वेश्चन एंटायर डेटा फ्रेम की जगह वैल्यूज भी आ सकता है। तो हमें क्या स्टेटमेंट लिखनी है, वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो डेटा फ्रेम का नाम दैट इज गैप्स, क्या है हमारा गैप्स। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, ये आ गया डॉट। और उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज जब हम लिखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज है वो देगा। ध्यान देना, इंडेक्स के नेम कॉलम के नेम नहीं देगा, अंदर की वैल्यूज देगा। इसके गोइंग फॉरवर्ड हमने क्या करना है, आउटपुट के क्वेश्चंस करने हैं। स्टेटमेंट गिवन होगी, आउटपुट क्या आएगा, तो उसमें और कवर हो जाएगा क्या आंसर आएगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कहता है डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है, गैप्स नाम है, राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल इन द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज का मतलब जितनी भी अंदर का डेटा है वो बताना है, कितने हैं, कितने। ठीक है, ध्यान दो, वैल्यूज नहीं बतानी, ये बताना वैल्यूज कितनी है, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं आपको कहता हूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप क्या कहोगे, सपोज 20 स्टूडेंट्स, आप कहोगे 20 स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं कहता हूँ ये बताओ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब आप उनके नाम बताओगे। अगर मैं कह रहा हूँ कितने हैं तो नंबर्स बताओगे, अगर मैं कहता हूँ कौन कौन है तो आप नेम्स बताओगे। तो ध्यान दो, डिफरेंस है ये। अब यहाँ पर कह रहा है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम का नाम दैट इज गैप्स। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, डेटा फ्रेम के नाम के बाद डॉट। अब वैल्यूज बतानी है कितनी है, तो उसके लिए यूज होता है साइज एट्रीब्यूट, ये आ गया हमारा साइज। ध्यान दो, अगर हम लिखते गैप्स डॉट वैल्यूज, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा, तो अंदर जो भी डेटा है वो दे देगा। अब मैंने लिखा गैप्स डॉट साइज, इसका मतलब जितना डेटा है वो बताएगा कितना डेटा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर। कहता है ये हमें आउटपुट लिखना है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम द डेटा फ्रेम। कहता है डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ गैप्स, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ वी राइट द स्टेटमेंट गैप्स डॉट इंडेक्स। नीचे डेटा फ्रेम है, गैप्स डॉट इंडेक्स को मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है, इसका मतलब हमें ये बताना है अगर हम लिखते हैं गैप्स डॉट इंडेक्स तो आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट लिखना है इंडेक्स कौन कौन से है, दैट इज ये इंडेक्सेस है 2020, 2019, 2018, 2017। हमें क्या करना है, आउटपुट लिखना है। तो आउटपुट कैसे आएगा, ध्यान दो, इंडेक्स शो करेगा। तो ये लिख रहा है हमें इंडेक्स, ये क्या आ गया आउटपुट में, इंडेक्स। उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाओगे, ये लगा दिया राउंड ब्रैकेट। उसके बाद आप सारे इंडेक्सेस लिख दोगे, कौन कौन से इंडेक्सेस है, 2020, 2019, 2018, 2017। इसको लिखोगे किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। तो ये लिस्ट की फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद जहां पे लिस्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद आप लगाओगे कॉमा, ये आ गया कॉमा। कॉमा के बाद आप लिखोगे डी टाइप, क्या लिखेंगे हम, डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होगा, जो इंडेक्स आ रहे हैं। अब जो इंडेक्सेस हैं वो किस फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, तो उसका मतलब डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में। डी टाइप इज इक्वल टू इंट 64, इंट 64 इज इंटीजर, इंट इज इंटीजर, 64 इज 64 बाइट्स होता है। ठीक है, और ब्रैकेट्स कोट्स के अंदर लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स वाला जो हमने पहले राउंड ब्रैकेट लगाया इसको क्लोज कर देंगे, राइट। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं कहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ध्यान से समझना, इंडेक्स से पहले जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है इंडेक्स, उससे पहले आएगा इंट 64। क्या आएगा, इंट 64, इंट का आई कैपिटल, 64 न्यूमेरिक है, उसके बाद इंडेक्स लिखा है इंडेक्स का आई कैपिटल, यानी कि इंट
64 इंडेक्स ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट लिस्ट की फॉर्म में सारे इंडेक्सेस कॉमा डी टाइप इज इक्वल टू इंट 64। ध्यान देना आगे ये चेंज हो जाएगा, एक क्वेश्चन और करेंगे वहां पर चेंज हो जाएगा, वो आगे देखेंगे, इसको नोट करो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एज्यूम करो डेटा फ्रेम गैप्स बना हुआ है, हमें क्या लिखना है, आउटपुट लिखना है इफ वी राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है गैप्स डॉट कॉलम्स। इसका मतलब हमें क्या बताने हैं, कॉलम्स के नाम बताने हैं, कॉलम्स कौन कौन से हाईलाइट कर रहा हूं, आईपी सीएस मैथ्स एंड इंग्लिश। तो क्या करेंगे, हमें आउटपुट लिखना है, आउटपुट लिखा, सबसे पहले लिखोगे इंडेक्स, क्या लिखेंगे हम आउटपुट में इंडेक्स। ध्यान देना इससे पहले जब हमने लिखा हुआ था गैप्स डॉट इंडेक्स तो भी इंडेक्स लिखा, जब लिखा हुआ है गैप्स डॉट कॉलम्स तो भी इंडेक्स ही लिखोगे आप, तो भी क्या लिखना है, इंडेक्स लिखना है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वो यहां पर क्या लिख देता है, कॉलम्स लिख देता है, आउटपुट में कॉलम्स नहीं आएगा इंडेक्स आएगा। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, अब यहां पर राउंड ब्रैकेट के बाद आप लिस्ट की फॉर्म में सारे इंडेक्सेस लिख दोगे, कौन कॉलम्स के नाम लिख दोगे, सॉरी कौन कौन से हैं, आईपी सीएस मैथ्स इंग्लिश, किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। तो ये आ गया आईपी सीएस मैथ्स इंग्लिश, कोट्स में क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेट्स है तो इसलिए कोट्स में, न्यूमेरिक होगा तो विदाउट कोट्स में। फिर लिखेंगे कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, डी टाइप, ये आ गया डी टाइप, डी टाइप के बाद इक्वल टू का साइन। अब यहां पर हम देखेंगे डेटा टाइप क्या है, किसका डेटा टाइप बताना है, कॉलम्स का डेटा टाइप। अब सारे क्या है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में है तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट, इंटीजर नहीं कहा जाएगा। ध्यान देना इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंट 64 लिखा था, लेकिन वहां पे सारी इंटीजर वैल्यू थी, यहां पर इंटीजर नहीं है, यहां पे सारी स्ट्रिंग है, तो क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये हमारा राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इस इंडेक्स से पहले हमने क्या लिखा था, इंट 64, तो ये आ गया हमारा इंट 64। अब आप इसको नोट कर सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब डॉट कॉलम्स लिखोगे तब भी आउटपुट में इंडेक्स ही लिखना है, ठीक है। उम्मीद रखूंगा आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन यहां पर एक मिस्टेक है, इस मिस्टेक, इसके अंदर क्या मिस्टेक है उसको ध्यान से समझना। लेकिन मिस्टेक निकालने से पहले, जैसे आपको पता है कि बीच में हम मोटिवेशनल वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का, ये रही वीडियो। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ, सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट, सबसे भारी जानवर हिप्पोपोटामस, और सबसे क्लेवर जानवर स्नेक, मगर जंगल का राजा लायन यानी कि शेर। वो बड़ा भी नहीं है, वो भारी भी नहीं है, मगर फिर भी वो जंगल का राजा है। दोस्तों जानना चाहते हो क्यों? Because of one word, क्योंकि उसमें attitude होता है। सबसे बड़ा question कि attitude आता कहाँ से है? Attitude आता है बिलीव सिस्टम से। बिलीव सिस्टम क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे, भारी से भारी, बड़े से बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकेंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखो, बिलीव करो और दिखा दो बड़ा काम करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल, बाय बाय। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट, मोटिवेशनल वीडियो से पहले आपको मैंने कहा था यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, ध्यान से समझना। ये मिस्टेक है, इंट 64 को मैंने हाईलाइट कर दिया, बॉक्स में डाल दिया, क्यों मिस्टेक है, क्योंकि इसका डेटा टाइप, डी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंट 64 तभी लिखते हैं जब हमारा डेटा टाइप इंटीजर होगा, तो यहां पर ये नहीं आएगा, इसको हम हटा देंगे। तो ये क्या बन गया, सिंपल इंडेक्स बन गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
कहता है डेटा फ्रेम दिया हुआ है, हमें क्या करना है आउटपुट निकालना है। इफ यू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है गैप्स डॉट वैल्यूज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा हाईलाइट करूंगा कौन कौन सी वैल्यूज है, ये वैल्यूज है ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वैल्यूज का मतलब अंदर का डेटा ही आएगा, हेडिंग कॉलम के नाम या फिर रो यानी कि इंडेक्स के नेम्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया फर्स्ट वाली, फर्स्ट रो में जो है उसको हमने लिख दिया लिस्ट की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे सेकंड रो को लिस्ट की फॉर्म में। फिर थर्ड रो में जो भी है वो भी आ गया हमारा लिस्ट की फॉर्म में। सिमिलरली लास्ट है वो भी किस में आ गया, लिस्ट की फॉर्म में। ये सारा का सारा आएगा नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सारा का सारा किस में आएगा, नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में। यानी कि जहां पर फर्स्ट लिस्ट स्टार्ट हो रही है उससे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और जहां पर लास्ट वाली खत्म हो रही है उसके वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, नेस्टेड लिस्ट। जब मैंने डिफाइन करवाया था तब भी आपको समझाया था, जब हम लिखेंगे वैल्यूज जो होगा वो क्या देगा, इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट। तो हमने क्या करा, दोबारा से समझना, इसको मैंने हटाया। डेटा फ्रेम के अंदर फर्स्ट रो के अंदर है 199, 196, तो इसको लिस्ट की फॉर्म में लिखा ठीक है। डेटा फ्रेम में सेकेंड रो में वैल्यूज अंदर की वैल्यूज क्या, दैट इज 100, 198 और NaN, तो ये हमने लिस्ट के फॉर्म में लिखा। सिमिलरली थर्ड जो है उसको भी लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे 99, 97, 100 NaN, एंड द लास्ट वन इज 98, 90 NaN, NaN। इस पूरे को हम लिखेंगे नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर 99.99% बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं, लेकिन गैप्स क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो 101% करेक्ट करके आते हैं ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, इसका साइज बताना है। तो आउटपुट क्या लिखेंगे, साइज का मतलब टोटल रोज कितने हैं, टोटल कॉलम्स कितने हैं, रो कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 4। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दैट इज रोज कितने हैं 4, कॉलम भी कितने हैं 4, 4 × 4 = 6, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो जितनी वैल्यूज आई, कितनी वैल्यूज आई वो बताना है, दैट इज 16। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये देखा कि स्टेटमेंट लिखने को आएगा तो कैसे लिखेंगे, या फिर स्टेटमेंट गिवन होगा आउटपुट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबके डेफिनेशन। अब आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पर जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में भी स्टार्ट करते समय कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, दैट इज लेंथ एट्रीब्यूट। कौन सा है, लेंथ एट्रीब्यूट। ध्यान दो, लेंथ एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम के अंदर नहीं होता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेंथ एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम के अंदर नहीं होता। अब स्टूडेंट कहता है कि सर आपने क्यों लिखा, अगर नहीं होता तो क्यों आपको लिखना ही नहीं चाहिए था। परफेक्ट, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप MCQ का क्वेश्चन करोगे उसके अंदर वो मेंशन होगा। तो जब वो मेंशन होगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि लेंथ में क्या देगा, लेंथ और साइज में कंफ्यूज होता है अधिकतर। तो इसलिए मैंने आपके सामने लेंथ लिखा, लेकिन लेंथ नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे जो MCQ की फॉर्म में आ सकता है आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो होगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही अपलोड करी। और अगर इफ इनकेस आप कुछ टाइम के बाद ये वीडियो देख रहे हो और नेक्स्ट वीडियो अपलोड अगर हो चुकी होगी तो लास्ट में उसका थंबनेल आएगा, क्लिक करके भी आप देख सकते हो। मगर वीडियो को खत्म करने से पहले दोबारा कह दूं, स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं हम गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर लेना, और अगर इफ इन केस बुक बन चुकी है हमारी, बुक में कन्वर्ट हो चुके हैं तो बुक परचेज करना। नंबर हमारा फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्रीमियम कोर्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ले सकते हो इन्फॉर्मेशन। प्रीमियम कोर्स के अंदर हम बहुत सारे असाइनमेंट्स के और क्वेश्चंस कराते हैं जिससे कि आपका लेवल और इंक्रीज हो। जो बच्चे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करते हैं उनका टारगेट 100% होता है। तो अगर आप 100% का टारगेट कर रहे हो तो प्रीमियम कोर्स जरूर एनरोल करना, बाकी आपकी चॉइस है, नोट्स तो ले ही लेना ठीक है। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।